Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss MCO 15 assignment, IGNU assignment और ये इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का असाइनमेंट है, सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। इसमें मैं ऑलरेडी 1, 2, 3, 4th क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुकी हूँ, 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। शॉर्ट नोट्स में हमें बताना है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, जो इंडियाज की सर्विस एक्सपोर्ट है, ट्रेड बैलेंस क्या है और आपका हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जिसको HEPC बोलते हैं, उनका मीनिंग वगैरह क्या है, ये सब हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट पार्ट से, जो कि है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया एक्ट है, ठीक है, जो कि आपकी पूरी की पूरी पेमेंट एक्सटर्नल पेमेंट्स को कंट्रोल करके रखता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन की पेमेंट को कंट्रोल करके रखता है। 1999 में बना गया था और फेरा की जगह फेमा आया। फेरा पहले था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसमें कुछ कमियां थी जिसकी वजह से फेमा एक्ट बना। फेमा को हमने डीरेगुलराइज कर दिया लिबरल इकोनॉमी में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फेमा जो है वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर डील किया जाता है। फेमा की आउटलाइन जो है वो फॉर्मेलिटी और जो आपको रूल्स वगैरह बताए हैं वो ट्रांजेक्शन में हेल्प करते हैं, जहाँ पे हमने दो अकाउंट बना रखे हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। फेमा एक्ट के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है, गुड्स की चाहे सर्विसेज की और असेट्स की, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी की सारी ट्रांजेक्शन आ जाती है, सारी की सारी कैपिटल ट्रांजेक्शन आती है जो कि असेट्स लायबिलिटीज से रिलेटेड होती है, और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर वो सारी ट्रांजेक्शन होती है जो कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, मनी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो है। सेकेंड पार्ट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट सर्विस। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ये सारी स्ट्रेंथ है, जैसे कि स्ट्रेंथ है कि हम ग्लोबल बिजनेस को ग्लोबल ले जाने में बहुत अच्छा हुआ है। 4.25% वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट उठा पा रही है, और आप डेटास को देख सकते हैं, डेटास मेंशन है, प्रॉफिट बहुत बड़ा है। ये भी एक एडवांटेज और एक टूल की तरह देखने के लिए मिलता है कि ये स्ट्रेंथ है, और ई कॉमर्स के सॉल्यूशन के लिए भी ये काम में आता है। रिस्क मिटिगेशन का मतलब रिस्क को कम करने में भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट का टूल। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ, इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिवनेस एंड मार्केट शेयर, जिसमें मार्केट शेयर को बढ़ाने की और कॉम्पिटिशन ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिशन धीरे धीरे इम्प्रूव होगा उसकी बात कर रहे हैं। However, this however comes with the benefit of forcing your company to become more efficient. ये कोशिश होती है जहाँ पे आप कंपनी को अपनी और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो, और ज़्यादा प्राइस इनोवेटिव इनोवेशंस वगैरह ला सकते हो उसमें। नेक्स्ट इज ये भी एक बेनिफिट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जहाँ पे ये बात की जाती है कि ज़्यादातर किसी ना किसी तरीके से कोशिश की जाती है कि सेल बढ़े, सेल बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिटेबिलिटी लेवल बढ़ेगा और कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। तो ये है सारी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वन इज वीकनेस। वीकनेस सबसे पहले है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। COVID-19 के आने की वजह से ये एक कमज़ोरी रही है कि हमने सप्लाई चेन को प्रॉपर तरीके से नहीं किया, और यहाँ पे डिले हुआ है शिपमेंट में। प्रोडक्ट जहाँ पे पहुँचने चाहिए थे वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, जिसकी वजह से जो कस्टमर थे वो खुश नहीं थे। फ्रंट कॉस्ट ज़्यादा आई है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट की तरह देखने के लिए मिलता है कि मार्केट रिसर्च वगैरह जो की गई है, कॉस्ट ट्रेवल कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है ये कहीं ना कहीं रिस्क को बढ़ाने का काम करते हैं स्मॉल बिजनेस की शुरुआत से। नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट लाइसेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि 95% चांसेस होते हैं कि आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो, और लाइसेंस का प्रोसीजर बहुत लॉन्ग होता है, तो इसी वजह से एक तरीके का आपका डिस्ट्रप्शन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन, काफ़ी सारे पॉलिटिक्स वगैरह की वजह से भी
डिस्ट्रप्शन देखने के लिए मिलती है, जो कि एनी हाउ लीड करता है एक नेगेटिव और एक वीकनेस को। नेक्स्ट वन इज ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या होता है? ट्रेड बैलेंस का मतलब है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में डिफरेंस को, इसको कहते हैं हम ट्रेड बैलेंस। अगर कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज़्यादा है तो ये प्रॉफिटेबिलिटी वाली सिचुएशन कहलाती है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट कम होता है इंपोर्ट से तो ये नेगेटिव सिचुएशन कहलाती है और ये कहीं ना कहीं डेफिसिट को लीड करती है। ट्रेड बैलेंस को पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने बता दिया, कैसे कहा जाता है। ट्रेड डेफिसिट आएगा तो नेगेटिव, और ज़्यादातर नेगेटिव प्रोडक्शन या नेगेटिव हम देखते हैं जो नेगेटिव अजम्पशन बैलेंस ऑफ ट्रेड में देखी जाती है। टोटल ट्रेड बैलेंस का इसके अंदर गुड्स, और गुड्स इंक्लूड होते हैं एक्सपोर्टेड इंपोर्टेड, बिग सरप्लस और डेफिसिट फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैटेगरी, जो कि एक नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरह देखा जाता है। मैंने एक एग्जांपल भी ऐड किया है ताकि आपका जो क्वेश्चन हो उसका जो सॉल्यूशन हो वो इनहेंस हो सके। BOT का जो है वो एग्जांपल, आपको पता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, तो हमने एक एग्जांपल लिया जहाँ पे एक्सपोर्ट 100 मिलियन था और 80 मिलियन आपका क्या था, इंपोर्ट था, जिसको माइनस करके 20 मिलियन नेट आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया। नाउ द लास्ट वन इज हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, HEPC जिसको कहते हैं। इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट, इसको हम सेकेंड लार्जेस्ट बोलते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट की पोटेंशियल पे बात करो, 28.2 लाख, 28.2 लाख लूम्स इसमें इंक्लूडेड हैं, और इसमें एग्जांपल भी इन्होंने दे दिया कि क्या क्या ये सेंटर्स है, करूर, पानीपत, वाराणसी, कन्नूर, जहाँ पे हैंडलूम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि टेबल लाइनन का, किचन लाइनन और फ्लोर कवरिंग, ये सब इंक्लूड किया जाता है, और फैब्रिक में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है वो सब मैंने लिख दिया। उसके बाद जो मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज है वो है USA, UAE, स्पेन, UK, इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ये सब। हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो एक नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के बीच में। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 96 मेंबर्स हैं, और राइट नाउ का सिनेरियो में 1700 स्प्रेड हो रखे हैं पूरी पूरी और कंट्री की तरफ। द प्राइम ऑब्जेक्ट, इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है HEPC का, वो है कि गाइडलाइंस जो हैंडलूम एक्सपोर्टर हैं उनको कहीं ना कहीं एक हेल्प प्रोवाइड करना, ताकि वो जो ट्रेड फेयर्स के जरिए अपना सामान बेचते हैं और जो थोड़े वो कम देखे जाते हैं उनको इनहेंस करने की ज़रूरत है। और इनका एक कोट दे रखा है, व्हेन द वर्ल्ड स्टार्ट ड्रीमिंग अवर हैंड स्टार्ट वेविंग, जब हमारे वर्ल्ड ने पूरा शुरुआत करी थी सपने देखने की, तब से हम अपना काम कर रहे हैं, तब से वीविंग की प्रोसेस चल रही है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 पूरा डिस्कस कर लिया है। अब बाकी आप लोग को अगर PDF वगैरह की रिक्वायरमेंट है या हिंदी में कंटेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो, लाइक करो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।